अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना, ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊं तो तुम्हारे फोन की भी घंटी बजे। नमस्कार दोस्तों, नई वीडियो में आज आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। और आज आप लोगों के लिए मैं लेके आया हूं पार्ट नंबर 7। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता ही है कि मैं दुबई से रिलेटेड आप लोगों के लिए पूरी इन्फॉर्मेटिव जो है वीडियोस बना के बता रहा हूँ कि दुबई के अंदर क्या क्या आप लोग यदि जाना चाहते हैं या फिर काम करना चाहते हैं वहाँ पे जाके, तो आप लोगों को क्या क्या जो है तैयारियाँ करनी होंगी, कैसे जो है आप लोग वहाँ पे बिल्कुल सही बजट में जो आप लोग सर्वाइव कर सकते हो, अपने पैसे बचा सकते हो और भाई घर पे भी जो आप लोग दे सकते हो। यानी कि आज मैं आप लोगों को बता दूं कि लगभग ये जो बातें हैं ये काम करने वाले के लिए जो है मैं एक एक पार्ट बता रहा हूँ जो कि वहाँ पे काम करना जाना चाहते हैं काम करने के लिए। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि भाई लगभग मैंने जो है पिछले 6 पार्टों में आप लोगों को आधी से ज़्यादा जो है डिटेल दे दी है दुबई के बारे में। तो दोस्तों, आज के पार्ट में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि दुबई के अंदर बारिश की क्या सिचुएशन होती है। यानी कि आप सभी को पता है कि हमारे देश में तो बारिश बहुत ज़्यादा होती है, तो दुबई के अंदर दोस्तों बारिश होती भी है या नहीं, और भाई वहाँ अगर आप लोग जाना चाहते हैं तो आप लोगों को क्या क्या जो आप लोगों को कपड़े लेके जाने चाहिए जो कि आप लोग वहाँ पे पहन सकते हो। बाकी तो भाई काफ़ी लोग जो है जूते वगैरह बहुत ही अड़कम सड़कम लेके जाते हैं, उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। तो आज मैं आप लोगों को इस पार्ट के अंदर बताऊंगा कि आप लोगों को क्या क्या जो है यूनिफॉर्म यानी कि कपड़े अपने लेके जाने हैं। और उसके बावजूद दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ कि वहाँ पर बीमारी होने की संभावना कितनी ज़्यादा रहती है, यानी कि वहाँ के लोग जो है कितना ज़्यादा बीमार होते हैं या फिर नहीं। तो तीनों के तीनों स्टेप जो दोस्तों मैं इस वीडियो के अंदर आप लोगों को पूरी डिटेल से बताऊंगा। वीडियो के अंत तक जरूर देख लेना। यदि आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, नीचे लाल रंग में बटन आप लोगों को दिख रहा होगा, कर दो यार सब्सक्राइब, क्योंकि इसी प्रकार से मैं आप लोगों के लिए अपने चैनल के माध्यम से नए नए जो है वहाँ के आइडियाज़ और नए नए जो इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ जो है आप लोगों के लिए लेके आता रहता हूँ। तो करें यार सब्सक्राइब। चलिए दोस्तों, शुरू करता हूँ आज की वीडियो बिना टाइम वेस्ट किए। दोस्तों, आप लोगों को बता दूं कि दुबई के अंदर बारिश की क्या सिचुएशन होती है। जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारे इंडिया में भी लगभग 2 से 3 महीने जो है साल में बारिश होती है, लगभग तो वैसे बारिश आती रहती है कभी कभी। तो दोस्तों, बहुत ही कम चांस होते हैं दुबई के अंदर बारिश होने के। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं, दुबई के अंदर जो है लगभग दिसंबर जनवरी फरवरी के आसपास ही जो है आप लोगों को कभी कभार यानी कि 100 में से 1 दिन जो है आप लोगों को जो है बारिश देखने को मिलेगी, नहीं तो लगभग मार्च के बाद दोस्तों वहाँ का टेम्परेचर जो है वो हाई होना स्टार्ट हो जाता है और लगभग जून जुलाई तक जो है टेम्परेचर 52-53 तक भी जो है पहुँच जाता है दोस्तों, जो कि बहुत ही ज़्यादा गर्मी पड़ती है। यदि आप लोग वहाँ पर कंस्ट्रक्शन के काम से यानी कि लेबर के काम से जाना चाहते हैं तो बिल्कुल केयरफुली होकर जाएँ। पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि वहाँ की गर्मी कैसी है दोस्तों, और यदि आप लोग जा रहे हैं इसी हिसाब से जाए कि आप लोगों को काम जो है वो अंदर के अंदर मिले, यानी कि कंस्ट्रक्शन लाइन में काम बहुत ही टफ है। लेकिन उसके बावजूद भी दोस्तों बहुत से लोग ऐसे हैं जो कर लेते हैं, गर्मी को सहन कर लेते हैं और भाई काम करना यानी कि उनकी मजबूरी है, तो दोस्तों वो जाते हैं और काम भी करते हैं, वहाँ पे लोग काम भी कर रहे हैं आप सभी को बता दूँ। तो दोस्तों, आप लोगों को आई होप कि आप लोगों को ये कन्फर्म हो चुका होगा कि गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, किस किस मंथ में होती है और बारिश का क्या सिचुएशन रहता है। अब मैं दूसरे स्टेप में आप लोगों को बात करूँगा कि वहाँ पर कपड़े क्या क्या आप लोगों को लेकर जाने चाहिए। तो दोस्तों, आप लोगों को बता दूँ कि जहाँ पर गर्मी इतनी ज़्यादा होती है तो वहाँ पे आप लोगों को सबसे ज़्यादा क्या होता है कि लवर यानी कि कैपरी लवर टी शर्ट वगैरह ये जो आप लोगों को लेके जाने चाहिए। तो जितना हो सके शूज़ आप लोग एक एक ही जोड़ा लेके जाए, इससे ज़्यादा ना लेके जाएं, क्योंकि वहाँ पे बहुत ही कम शूज़ पहने जाते हैं। यदि आप लोग काम करने के लिए जा रहे हैं तो मेन बात होती है कि वहाँ का लेबर लो जो है वो खुद ही आप लोगों को यूनिफॉर्म देगा काम करने के लिए, और भाई उसके अंदर आप लोग को शूज़ भी आ जाते हैं और कपड़े भी आ जाते हैं। तो आप लोगों को मैं बता दूं कि लगभग आप लोगों को सारे दिन में से काम पे जाना होता है, काम पे से आने के बाद अपना खाना पीना बनाना या फिर कई कंपनियाँ दे देती हैं तो आप लोगों को रूम पर ही जो है आके सोना होता है, तो आप लोग नॉर्मली कपड़े पहन के भी आप लोग सो सकते हैं। बाकी वहाँ पर आप लोगों को जो अपने रहने का स्थान जहाँ पर दिया जाएगा कंपनी के द्वारा, वहाँ पर आप लोगों को फुल एसी जो है देखने को मिलेगा, आप लोग बेचिंत होकर जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। आपको बता दूँ कि वहाँ पर जो है लगभग गर्मी का सीजन होता है तो भाई बहुत ही कम चांस होते हैं आप लोगों का बीमार होने के, क्योंकि वहाँ पे इतनी बीमारियाँ भी नहीं हैं और भाई ना इतना आप लोगों को अड़कबाड़ मिलेगा देखने को जैसा और कंट्रियों में होता है। बिल्कुल साफ़ सुथरी कंट्री है, तो आप सभी को पता है जहाँ पे साफ़ सफाई है वहाँ पे बीमारी भी बहुत कम होती है दोस्तों। तो कुल मिला के बता दूँ कि आप लोग बीमारों की टेंशन मत लो, ये बहुत ही कम चांस होता है बीमार होने के वहाँ पर। लेकिन आप लोगों को मेडिकल फैसिलिटी भी जो है वहाँ वो बहुत ही ज़बरदस्त मिलने वाली है। इंडिया की तरह नहीं है कि आप लोग 2-2 घंटा लाइन में खड़े हो जाइए या फिर आपका नंबर कल लगेगा, अगले दिन के आप लोगों की टोकन मिलेगा, पर्ची कटेगी, तो आप बेचिंत होकर जाइए। बहुत ही बढ़िया वहाँ का आप लोगों को हॉस्पिटैलिटी जो है आप लोगों को बहुत अच्छी मिलने वाली है और बहुत ही अच्छा जो है आप लोगों को वहाँ पे टेम्परेचर भी मिलेगा। तो आई होप कि आप लोगों को ये तीनों के तीनों जो है स्टेप समझ में आ गए होंगे। अगर उसके बावजूद भी आप लोगों के मन में कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट करके आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। मिलता हूँ दोस्तों नेक्स्ट पार्ट में, 8वें पार्ट में आप लोगों के लिए कुछ अलग ही जानकारी लेकर आऊँगा। तब तक के लिए जय हिंद, अपना सपोर्ट एंड अपना पैरा सेव बना रखना। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।